हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे किसान भाई अपने गन्ने में किस प्रकार से टिलर ज़्यादा ले सके, किलो की संख्या किस प्रकार से अपने गन्ने में बढ़ा सके। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारे किसान भाई लेट गन्ने की बुआई करते हैं उनमें टिलर्स की काफ़ी समस्या देखने को मिली है। उनके गन्ने में किलो की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो हमारे किसान भाई लेट गन्ना बुआई में या दूसरे जो फरवरी गन्ना बुआई में अपने गन्ने में किलो की संख्या किस प्रकार से बढ़ा सके, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों को अपने गन्नों में किलो की संख्या बढ़ाने के लिए 2 से 3 बातों को ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे किसान भाई यहीं पर कुछ जल्दबाजी कर देते हैं अपने गन्ने की देखरेख करने में, जिससे कि उनमें गन्नों में किलो की संख्या काफ़ी कम रह जाती है, जिससे कि उन्हें काफ़ी उत्पादन में भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें? एक तो किसान भाइयों को अपने गन्ने से किन निराई गुड़ाई निरंतर करानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके गन्ने में खरपतवार ज़्यादा उपलब्ध हैं तो आपके गन्ने में वायु संचार काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं अपने गन्ने में, तो वो भी आपके जो गन्ने में घास है वो अपनी आधी मात्रा से ज़्यादा आपके गन्ने में घास में लग जाती है और गन्ने में काफ़ी कम देखने को उर्वरक मिलते हैं। जैसे कि और सबसे बड़ी बात है कि आपके गन्ने में वायु संचार अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि गन्ने में टिलर्स कम देखने को मिलता है। नंबर एक पर तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपने गन्ने की निराई गुड़ाई निरंतर कराते रहना है, गन्ने में घास बिल्कुल ही नहीं होने देना। और नंबर दो पर किसान भाइयों को अपने जो गन्ने में किलो का बढ़ाने के लिए किसी भी बेस्ट कंपनी का ह्यूमिक एसिड जो आता है किसान भाइयों, आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। किसान भाई को ह्यूमिक एसिड के तौर पर किसान भाई आप जियो लाइफ का विगर भी ले सकते हैं। किसान भाइयों को अगर हमारे किसान भाई किसी भी बेस्ट कंपनी का अगर जियो लाइफ का विगर आता है किसान भाइयों, इसकी आप रोजगार या FMC का किसान भाई ह्यूमिक आते हैं उसकी आप किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं अपने गन्नों में। और जो किसान भाई को नंबर दो पर जो खाद का प्रयोग करना है तो कैल्शियम नाइट्रेट का किसान भाई को प्रयोग करना है। किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का जो कार है ये हमारे गन्ने में नए नए ऊतकों का विकास करता है, गन्ने की ऊपरी बढ़वार में काफ़ी सहायक होता है। किसान भाइयों गन्ने में काफ़ी टिल्स की किसान भाई जो मात्रा है किसान भाई इसके द्वारा बढ़ती है। गन्ने की पत्तियाँ चौड़ी रहती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी बड़े पैमाने पर बनती है और गन्ने में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। किसान भाई गन्ना हरा भरा किसान भाई होता है, जैसे किसान भाई टिल्स की आप देख रहे हैं काफ़ी भरमार किसान भाई इस खेत में आई हुई है। और किसान भाई जो आपको तीसरी जो खाद किसान भाई आपको लेनी है तो वो इफको की जो सागरिका किसान भाई आती है, आपको इसकी मात्रा आप पर एकड़ के हिसाब से 10 किलो किसान भाइयों इसको लेनी है। किसान भाइयों काफ़ी अच्छा ये है आपकी सागर का है, जो इफको की सागर का है, किलो में काफ़ी सहायक रहती है किसान किलो बढ़ाने में। और किसान भाई गन्ने की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी इसके द्वारा रहती है, गन्ने का काफ़ी हरा भरा ले रहते हैं, जिससे किसान भाइयों गन्ने में आपका जो फोटोसिंथेसिस क्रिया काफ़ी बड़े पैमाने पर बनती है, जिससे गन्ना का हरा भरा रहता है, गन्ने में कोई ज़्यादा रोग भी नहीं आते किसान भाइयों और गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। किसान भाइयों आप इन तीनों खादों का प्रयोग करके किसान भाई आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, गन्नों में किलो की संख्या काफ़ी जोर से बढ़ा सकते हैं। और किसान भाई इसके साथ साथ किसान भाई आपको 20 से 25 किलो की यूरिया पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपको लेनी है। किसान भाई आप फिर से ध्यान दे लीजिए, एक तो किसान भाइयों आपको ह्यूमिक लेना है किसान भाइयों, आप अपनी कंपनी के हिसाब से उसको उसकी डोज किसान भाई फिक्स होती है। किसान भाई पर एकड़ के लिए आप जियो लाइफ का विगर यूज़ कर रहे हैं तो किसान भाई 250 ग्राम पर एकड़ की किसान भाई मात्रा, FMC का किसी भी या अदर किसी कंपनी का ह्यूमिक यूज़ करें तो उसकी किसान भाई 0.5 किलो से 1 किलो तक की मात्रा रहती है। और इसके किसान भाई बाद आपको जो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा लेनी है वो 18 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। और किसान भाई जो आपको सागरिका की मात्रा लेनी है वह आपको 8 से 10 किलो किसान भाई अपने पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। और किसान भाई जो यूरिया का प्रयोग करना है तो 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपको प्रयोग करना है। इन बातों का किसान भाई आप ध्यान रखें, अपने गन्नों में किलो की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और किसान भाई काफ़ी अच्छे ग्रोथ किसान भाई आपके गन्ने की हो जाएगी। आपके जो गन्ने लेट बुआई जो गन्ने की हुई है जिसमें किसान भाई टिलर्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं उसमें किलो की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। किसान भाई किसान भाई इन्हीं की बातों का ध्यान रखें, किसान भाई आप अपने गन्नों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी ले सकते हैं और गन्ने का उत्पादन एक अच्छा तरीके से आप ले सकते हैं। किसान भाई किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।